नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ आई खबर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों की। पूर्व आर्मी चीफ ने बताया, गलवान झड़प का कारण जनरल वी के सिंह ने कहा, चीनी सेना के टेंट में रहस्यमयी आग की वजह से हुई थी गलवान घाटी में भारत चीन झड़प। क्रिकेट में थूक पर प्रतिबंध लग गया है, बुमराह ईशान के बाद भुवनेश्वर का बॉल चमकाने के लिए आईसीसी दूसरा विकल्प बनाए, नहीं तो गेंदबाजों को दिक्कत होगी। आपको बता दें कि गुमनाम कोच टॉपो ने सब दाव पर लगाकर 139 शार्किदों को हॉकी चैंपियन बनाया, 14 एकड़ जमीन भी गिरवी रखी। बीके शिवानी के कॉलम में, हमें ये सब अपनी जीवन शैली को सही करने के लिए ही मिला है, सात्विक जीवन शैली अपनाने से भी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना दुनिया लाइव में, बीजिंग के नजदीकी इलाकों में 4 लाख लोग लॉकडाउन में, यूएई ने पाकिस्तान से आने वाली उड़ानें निलंबित की, दुनिया में संक्रमण से अब तक 5 लाख मौतें हो चुकी। कश्मीर में घुसपैठ के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आतंकी, पहली बार द्रास में नियंत्रण रेखा पर मिले लॉन्च पैड, इंटेलिजेंस के मुताबिक 4 आतंकी यहां से घुसपैठ कर चुके। पाकिस्तान में आतंकी हमला, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ, 9 लोगों की मौत, 4 आतंकी ढेर हुए, 1 पुलिस अफसर समेत 5 लोगों ने भी दम तोड़ा। कोरोना वॉरियर्स के आशीर्वाद से शुरू होगी रस्में, मेहमानों को मास्क देंगे और सैनिटाइजर की फुहार से होगा बारात का स्वागत। कोरोना पीड़ित बेटे का पिता को आखिरी वीडियो मैसेज, उसने कहा, 3 घंटे से ऑक्सीजन नहीं मिली, लगता है धड़कनें रुक रही हैं, गुड बॉय डैडी। राजस्थान में अनलॉक 1 में गांव में 50 से कम श्रद्धालु वाले धर्म स्थल पर 1 जुलाई से खुलेंगे, शहरों में अभी बंद रहेंगे। सटासट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।